तो हमारे पहले प्रवक्ता जो हैं वो हैं राकेश आचार्य। वो हमको बताएंगे खुशी के बारे में, खुशियों के बारे में। तो हम लोग हरे कृष्णा से रक्षित आचार्य का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबको, हमारे चीफ गेस्ट और जजेस और हमारे शिक्षा गुरु इस कोर्स के अशोक पशुंदानी जी, उन सभी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आप में से किसे खुश होना है जिंदगी में? सभी को होना है, इसमें कुछ पूछने वाली बात भी नहीं है। हर कोई जो है, जब वो अपना जवानी में रहता है तो वो गाता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसका सारा दिन निकल जाता है, सारा जीवन निकल जाता है, पर वो एक दिन कभी नहीं आता है। आज हम देखते हैं लोगों के पास जो है पैसों की, शोहरत की, नाम की कमी नहीं है, फिर भी लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर्स हैं, ये सब भी सुसाइड कर रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इसमें खुशी नहीं है। एक बहुत महान एक्टर हुए जो अभी संसार में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति बहुत अमीर बने, बहुत नाम कमाए और बहुत शोहरत कमाए, सिर्फ इसीलिए कि उसको तब पता चलेगा कि इसमें कोई खुशी नहीं है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि इन जो इस चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, इन भौतिक चीजों के पीछे, इसमें कोई खुशी है नहीं। असल में भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो हम क्या यहां पे सिर्फ दुखी रहने के लिए आए और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है? है, भगवान जो है उन्होंने इस संसार का असलियत तो बताया, पर इसके साथ यहां खुश रहने का भी फॉर्मूला दिया है। और ये फॉर्मूला आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या है? अध्यात्म, भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और अपने जीवन में, अपने कार्यों में हम भगवान को जोड़ेंगे, तब हम सुखी रह पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है और हमारा जो मन है, उसे चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस, और हम जो इसे भौतिक दुनिया की खुशी दे रहे हैं, ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस है जो खत्म हो जाएगी। और भगवान जो है उनका एक नाम है सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान जो है आनंद की मूर्ति है, और असली दिव्य आनंद हमें उन्हीं से ही मिल सकता है। आप देखिए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, श्रील प्रभुपाद, इन सबको देखिए, इन सब ने भगवान की भक्ति की, अपने जीवन में भगवान को केंद्र बनाया, इसके लिए इन्होंने परम आनंद को प्राप्त किया। उसी प्रकार आप सब भी भगवान की भक्ति करिए और अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे, जो कुछ कर रहे, उसमें भगवान को केंद्र बनाइए, खुद खुश रहिए, औरों को भी खुश करिए, और इस शरीर छूटने के बाद भगवान के धाम में जाकर हमेशा हमेशा के लिए खुश रहिए। हरे कृष्ण।